नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में आगामी होने वाले भव्य कवि सम्मेलन को लेकर संपन्न हुई सूर्यनारायण प्रेस क्लब की बैठक। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरली नायर के कुशल नेतृत्व में आगामी होने वाले भव्य कवि सम्मेलन को लेकर नगर के रमाण इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं कैफेटेरिया में सभी पत्रकारों की बैठक रखी गई थी, जिसमें धार्मिक नगरी सूर्यनारायण में आगामी 10 जनवरी को होने वाले भव्य कवि सम्मेलन को लेकर विशेष चर्चा की गई। जहां इस बैठक के दौरान सूर्यनारायण प्रेस क्लब के सभी सदस्यों ने होने वाले कवि सम्मेलन के लिए तैयारी प्रारंभ कर ली है। साथ ही साथ इस कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गुरु राजसागर की रिपोर्ट। सबसे पहले तो हमारे प्रेस क्लब की सौभाग्य की बात है, जो मुरली नायर ने जिस दिन से अध्यक्षता ग्रहण किया है उस दिन से जो प्रेस क्लब की गतिविधि है वो काफी अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है। जैसे कि आप बता देना चाहेंगे कि अभी सबसे प्रथम अभी मुख्यमंत्री से आह्वान किए थे कि हमारा प्रेस क्लब के लिए भवन चाहिए, वो स्वीकृत हो गया। तत्पश्चात अभी एक प्रेस क्लब की ओर से अभी कवि सम्मेलन के लिए चर्चा की गई थी, जिसमें आज हम सब मिल करके एक कवि सम्मेलन के लिए कार्यक्रम का योजना रखे हैं। और सबसे यही अपील करते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में 10 तारीख को सूर्यनारायण में आइए और कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। सभी सदस्यों द्वारा किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज बैठक रखी गई थी, क्या कुछ आप लोग बताएंगे? टेम्पल सिटी सूर्यनारायण में नगर के कैफेटेरिया में प्रेस क्लब का बैठक आहूत किया गया था, जिसमें सर्वसम्मति से कवि सम्मेलन कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें देश के जाने माने हस्ती, जाने माने जो कवि हैं उनको बुलाने का एक निर्णय लिया गया है और 10 जनवरी को समय निर्धारित किया गया है। और आप सब लोगों से मैं अपील करता हूं कि इतने अच्छे प्रोग्राम इस शहर में पहली बार होगा और आप सब लोगों से अपील है कि कार्यक्रम प्रोग्राम को सुसज्जित करने के लिए आप लोग सब सहयोग प्रदान करें हमारे प्रेस क्लब को। और मैं मुरली भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो कि प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं और उनके इतना सुनहरा पहल जिसको हम सब मिलकर जिनको हम सबको मिलकर सफल बनाना है। और इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कुछ बताएंगे आप? मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी आप मेरे प्रेस क्लब के साथ हैं। ये जो हो रहा है सब आपके सहयोग से हो रहा है और आप सभी के मार्गदर्शन से हो रहा है। हमने निर्णय लिया कि यहाँ अभी तक कवि सम्मेलन नहीं हुआ है प्रेस क्लब के तत्वावधान में, तो उसी पर्पज में आज बैठक यहाँ पर रखा गया था, जिसमें सर्वसम्मति से आप सबने कही कि यहाँ पे कवि सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें देश के जाने माने कवि यहाँ पे आएंगे और सभी का मनोरंजन करेंगे। हम सबसे अपील करते हैं कि सभी भारी संख्या में आए और कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाएं। 10 जनवरी को डेट तय किया गया है और ये जगह हमारे चौपाटी में हो सकता है, अगर डेट खाली रहा तो, नहीं तो जगह को अन्यत्र किया जाएगा, जिसकी सूचना दे दी जाएगी प्रेस के माध्यम से सभी को।